Hey Tito. Kaan jubaye tu? Hein? Ha! Pakad liya. तैयार हो जा बच्चू, बोल आज किस पे अटैक करेगा? हैं? क्या बोल बोल बे, ये ले अपनी तलवार, चला दे जिस पर तेरा जी चाहे चला दे। क्या बात है, मेरे को नहीं बताओगे? बोलो क्या बात है, चलो मत बताओ, मत बताओ। ये लो अपनी तलवार और चला दो उस पर जिस पर तुम्हारा जी चाहे, चला दो। टीटो तू ना घबराना रे, टीटो मार के आना रे। मुझे कब से इंतजार था और ये रात बड़े की रात होगी, उन्हीं खेली रात और ये रात मुझे मेरा साथ दिलाएगी। तो तुमने कमाल ही दिखा दिया, यूर एब्सोल्युटली ग्रेट। मैंने आज तक लोगों को किसी भी शो में ऐसे पागल होते हुए नहीं देखा। ये तो कुछ नहीं है स्वीट हार्ट, तुम मेरा अगला शो देखना, इससे भी जबरदस्त होगा। उसे देखकर लोग कहेंगे अरिहन इज द बेस्ट पपेटियर इन द वर्ल्ड। कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ, तुम्हें ये सारी आइडियाज आती कहां से अरिहन? यहां से, यही है मेरा खजाना, और इस खजाने के जरिए मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बहुत सारा पैसा। पर इस सुंदर सी कन्या का क्या होगा? हुँ? क्या होगा? शादी कब होगी? हाँ शादी हो जाएगी जल्दी। पर कब? जल्दी क्या है कविता, आई मीन मतलब हम लोग वैसे भी पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो जब पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो पति पत्नी बनने में क्या हर्ज आ रही है? कविता तुम एक्सक्यूज मी सर। हाँ मुकुल आओ। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मेरा एक सपना है सर, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा पपेटियर। मेरी तरह बनना चाहते हो, बहुत बड़े पपेटियर? पपेटियर्स पेड़ पे लगते हैं क्या? थोड़ा सा वक्त लगता है मुकुल, यहाँ पर मेरी इजाजत के बगैर कठपुतलियों को कोई नहीं छू सकता। तुम बस मेहनत करो और समय का इंतजार करो। चलो कविता। करूंगा सर, मेहनत करूंगा, बनूंगा आपकी तरह, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शायद कोई भागा वहां से, लगता कोई चोर है, पर ये जा कहां रहा है? ओह नो, ये तो कठपुतली वाले कमरे में जा रहे हैं।
यहां तो कोई भी नहीं है, कहां गया वो? ऐसे कैसे गायब हो सकता है वो आदमी? वो कठपुतली, उसने मुझे मारने की कोशिश की सर। मुझे ये देखिए, क्या ये देखिए, देखिए मैं उस कठपुतली ने तुम्हें मारा? हाँ पी रखी है तुमने? हाँ नहीं नहीं सर नहीं, उसके 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 हाथ में खंजर है सर, खंजर है। और उसने उस खंजर से तुम पे वार किया? क्यों सर? सर वो हमारी तरह चल भी सकता है, वो बोल भी सकता है। टीटो चल सकता है और बोल भी सकता है? हाँ सर। चलो चल के देखते हैं, आओ। ये बेचैन नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, आप देखिए इसे। इससे डर गए तुम मुकुल? हाँ ये बेचारा किसी को क्या मारेगा, ये तो सांस तक नहीं ले सकता। पपेटियर बनना चाहते हो ना तुम, और पपेट से ही डर गए? अजीत शो का टाइम हो रहा है, मैं स्टेज पे जा रहा हूं। टीटो को जल्दी तैयार करो और स्टेज पे आ जा। चलो तुम लोग चलो। चलो सब लोग सुना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फुर्ती करो, समझ लिया तुमने? फालतू बकवास नहीं है मेरे को तुम्हारी। क्यों बे टीटो, मैंने सुना है तूने कल रात में मुकुल को डरा दिया है? सही। अरे यार बच्चा है, डर जाएगा, डरा उसको, ये तो मरी जाएगा बेचारा। क्यों पप्पू, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? देखना ही है तो मेरे टीटो को देख, कैसा डरावना और खूनी लगता है। टीटो कुछ कर, नहीं तो आज के शो में भी वो हीरो तेरी हीरोइन को भगा ले जाएगा। अभी वक्त है टीटो, खत्म कर दे उसको, मार दे, खून कर दे उसका टीटो, खून कर दे उसका, खून। मतलब कल रात वो सब इस अजीत ने किया था? यह आदमी तो बहुत खतरनाक लगता है, इससे तो मुझे बचकर रहना होगा। Thank you.
तक आया क्यों नहीं अजीत टीटो को लेकर? कुमार अजीत को बोलो उस विलन पपेट टीटो को तैयार करके जल्दी लेकर आए। जी सर अभी उसका सीन आने वाला अगले जल्दी इस तरफ जी जल्दी कर यार टीटू का सीन आने वाला है। दो मिनट जा टीटू जा तेरा कोई इंतजार कर रहा है टीटू जा और खून से अपनी प्यास बुझा ले चला जा और खून से अपनी प्यास बुझा जा। टीटो तू न घबराना रे टीटो पिट न जाना रे टीटो मार के आना रे। संभाल के ले जा आज ये किसी का बदला लेगा जा अपना बदला ले टीटो जा ले जा जा टीटो जा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस ने अजीत को काम पे क्यों रखा। पागलों जैसी बातें करता रहता है। एक ना एक दिन ये पागल जरूर कोई गड़बड़ करेगा। अजीत अभी तक आया नहीं। सीन शुरू होने वाला है और टीटो अब तक आ जाएगा। आ जाएगा लेकिन कब? सीन खत्म होने के बाद जाओ जाके देखो काम और क्या जब देखो। जल्दी जल्दी संभाल के इस तरफ कविता इस पे आ जाओ संभालो इसको। मुकुल गया उस अजीत को देखने पता नहीं कहाँ रह गया वो टीटो के साथ। किसने मार दिया? इतनी बेरहमी से मारा है। ये किसी इंसान का काम तो लगता ही। पर फिर कौन हो सकता है? किसने किया कुमार का खून? डर के मारे तुम पागल हो गए हो मुकुल। तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। नहीं सर मैं सच कह रहा हूं सर। कुमार का खून पपेट नहीं किया। ये नामुमकिन है मुकुल। एक कठपुतली किसी इंसान को कैसे मार सकता है? ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं सर मगर ऐसा ही हुआ है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? शट अप मुकुल। पपेट ने ही खून किया है सर। यही पपेट है सर। इसी ने खून किया। ये यहाँ कैसे आया? ये मेरा पपेट नहीं है। ये आपका पपेट नहीं है? नहीं? ये यहाँ कैसे आ गया? विराज को मरे हुए तो 2 साल हो गए। तो फिर ये कठपुतली यहाँ लेकर कौन है? कहीं तुम तो नहीं लेकर आए इसे? मैं क्यों लेकर आऊंगा सर। अजीत तुम बताओ
ये यहां कैसे आया? ये अपना टीटो है सर जी। बेवकूफ, ये टीटो नहीं है, ध्यान से देखो। टीटो है सर जी। सर, मैंने आपसे कल ही कहा था ना सर, ये पपेट नहीं है, ये कुछ और है सर। मैंने अपने कानों से सुना था, ये अजीत इसे कह रहा था। वो बोल तो ज्यादा मत डरा ना, वरना वो तो डर ही जाएगा। क्या बात है, कुछ याद आ गया है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। उस मुकुल ने तो बिना बात के हंगामा खड़ा कर दिया। भूल जाओ सब, चलो सो जाओ। कविता प्लीज, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, समझी तुम? साहब साहब, अब क्या मुसीबत आ गई? साहब साहब, आपसे मिलने अजीत आया साहब। अजीत इस वक्त? इस वक्त क्या काम हो सकता है उसे? पता नहीं रहा साहब, पर कहता है कि बहुत जरूरी काम है आपसे। इतनी रात को क्या काम हो सकता है उसे? अरिहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम संभल कर रहना। हाँ मैं देखता हूँ। कहाँ पर? बस वो दरवाजे के पास खड़ा साहब। मतलब? वो अंदर नहीं आया, वो कह रहा मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्यों, खतरा है? हाँ साहब। चलो अजीत, क्या बात है, अंदर आ जाओ। अजीत, ये तुम्हें क्या हो गया? अजीत को ये क्या हो गया? ये तो कठपुतली जैसा बन गया। मार दिया उसने इसे, उस कठपुतली ने। कठपुतली ने? मतलब वही? हाँ वही कविता, मुकुल ने सही बोला था। मुझे देखना होगा बाकी कठपुतलियां ठीक हैं या नहीं, कहीं वो भी। क्या तुम? तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है आर्यन, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। लेकिन तुम हो कौन? विराज, याद करो आर्यन, विराज। तुम विराज? हाँ, मैं ही वो विराज हूँ, वही विराज जिसे धोखा देकर तुमने सब कुछ छीन लिया, मैं वही विराज हूँ। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा, मेरा जो कुछ तूने छीना है वो मुझे वापस चाहिए, वापस। लेकिन अभी तो तुम मरे हुए हो,
ये सब लेकर तुम करोगे क्या अभी? परिहन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरिहन! सर! दरवाजा खोलो अरिहन! नहीं विराज, नहीं, तुम नहीं मार सकते मुझे। अरिहन! तुम नहीं मार सकते मुझे। अरिहन! अरिहन, क्या हुआ? अरिहन! सर! तोड़ दो दरवाजा! दरवाजा तोड़ दो! अरे क्या हुआ? नहीं, नहीं! तोड़ दो दरवाजा! क्या हुआ सर? ये वाला पपेट, ठीक कहा था मुकुल तुमने, इस पपेट में जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ। क्यों, करा क्या इसने? मेरी जान लेने की कोशिश की इसने। नहीं विराज, नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। मुकुल, इस कमरे में जितने पपेट्स हैं सारों को एक बक्से में डाल के खत्म कर दो सबको, जला दो सबको, जला दो सबको। लेकिन सर, मेरा क्या होगा, मैं कहां से सीखूंगा? मैंने कहा जला दो सबको, सुना नहीं तुमने? जला दो सबको बस। ये आवाज कहां से आ रही है? यहां बहुत दम घुट रहा है मुकुल, हमें बचा लो, बचा लो, हमें बचा लो मुकुल, हमें बचा लो। हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। शायद इस ट्रंक से आ रही है। यहां बहुत दम घुट रहा है मुकुल, हमें बचा लो। मुकुल, खत्म कर दिया तुमने उन कठपुतलियों को? हाँ सर, खत्म कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया। अब उनमें से कोई भी कभी भी वापस नहीं आएगी। बहुत अच्छा किया मुकुल तुमने, बहुत अच्छा किया। लेकिन लेकिन पक्का तुमने उन सब कठपुतलियों को खत्म कर दिया है ना? जी हाँ सर, हमेशा के लिए। वाह मुकुल, वाह वाह, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी को दूर किया है। और हाँ, तुम घबराओ मत, हमारी दुकान बंद नहीं हुई है, मैं सारे नए पपेट्स लेकर आऊंगा, एकदम नए अच्छे वाले। हाँ लेकिन ये भी तो अच्छे थे सर। नहीं मुकुल, नहीं, वो सारे विलन पपेट्स थे। हाँ सर, लेकिन उन्हें खत्म करने की क्या जरूरत? जरूरत थी,
मेरे असिस्टेंट हो या मेरे दुश्मन हो तुम, मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना चाहिए था। मेरा जनाजा निकलेगा तभी तुम्हें खुशी होगी, क्यों? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें एक बहुत बड़ा पपेटियर बनना है ना? जी हाँ सर। बस तुमने मेरा काम किया है, अब मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैं बनाऊंगा तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा पपेटियर, द बेस्ट पपेटियर इन द वर्ल्ड। हाँ, आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, सिर्फ पपेट्स ही पपेट्स हों। अरिहन जीत गया। अरिहन, अरिहन संभालो अपने आप को, तुम्हारी इस खुशी को देखकर डर लग रहा है मुझे। डर? कैसा डर? अब सारे डर इस घर से जा चुके हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तुमने सारी की सारी कठपुतलियों को क्यों जलवा दिया? उनमें से एक ही तो खराब थी। खूनी थे वो सब, सब के सब मेरे खून के प्यासे थे। और वो टीटो, उसकी तो बात ही मत पूछो। हाँ, वो तो वाकई बहुत खतरनाक था। हाँ, लेकिन क्या तुम जानती हो, वो दरअसल कठपुतली था ही नहीं, वो विराज की आत्मा थी। विराज की आत्मा? हाँ, विराज की आत्मा घुस गई थी उसमें। लेकिन तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, एक और बात, तुम जानती हो विराज की मौत शराब पीने से नहीं हुई थी। फिर कैसे हुई थी उसकी मौत? बड़ी दर्दनाक मौत मरा वो बेचारा विराज। अरिहन, अरिहन, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैंने तुम्हारे भरोसे कंपनी छोड़ी और तुमने मुझे ही निकाल दिया। तमीज से बात करो, तमीज से। बॉस से किस तरह बात करते हैं नहीं मालूम? बॉस, तुम कल तक मेरे नौकर थे। वो कल की बात थी सर, सॉरी सर, निकल गया गलती से मुंह से, आदत बदली नहीं अभी। खैर, ये बताओ मेरी कंपनी में काम करोगे? तुम्हारी कंपनी? ये मेरी कंपनी है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मत करना, अभी चुपचाप यहां से निकल लो, चलो, वरना धक्के देकर इस ऑफिस से बाहर निकलवाऊंगा तुम्हें। आउट, चल। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं बदला लूंगा। तो क्या करता? किसे पैसे नहीं चाहिए और वो देता ही नहीं पैसे, और वो बेचारा जीते जी तो मुझसे बदला नहीं ले सका, तो मरने के बाद इन कठपुतलियों के सहारे मुझसे बदला लेना चाहा, लेकिन नाकामयाब रहा, नाकामयाब रहा वो, जीत नहीं सका मुझसे। जीता तो मैं, अरिहन, मैं जीत गया। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो? नामुमकिन, वो वापस नहीं आ सकता, कभी नहीं। उसके वापस आने का एक ही रास्ता था, एक ही माध्यम था, वो कठपुतली टीटो, जो अब नहीं रही, और उसके साथ बाकी सब गई, सब जल गई। मगर वो कठपुतली वहां आई कैसे? बस यही एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि विराज की वो कठपुतली मेरे शो में पहुंची कैसे। अजीत लाया होगा। अजीत? उसके अलावा और कौन हो सकता है? अगर अजीत वो कठपुतली वहां लेकर आया तो उसने उसे क्यों मार दिया? क्यों मार दिया टीटो ने उसे? अगर अजीत ने नहीं लाया तो फिर और कौन लाया होगा?
क्या हो रहा है? एक पपेट ठीक से नहीं चला सकते हो तुम, चले वो पपेटियर बने। सर, सर, सर मैं क्या करूं सर? सर ये अपने अपने आप मुंह कर रहा है सर, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर ये। पागलों जैसी बात मत करो, कोई पपेट अपने आप कैसे चल सकता है? ये सब कठपुतलियां हैं, लकड़ी की पुतलियां बस। नहीं सर, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप हिलते जा रहे हैं, चाहे तो आप यहां खुद आके देख लीजिए। बकवास बंद करो। कविता जाके देखो जरा, जाओ। शट अप कविता, सबके सब पागल हो गए हो तुम, पपेट जिंदा हो गया। और ये बात मैं मान लूं ना, मैं देखता हूं। ये पपेट, ये पपेट यहां कैसे? गुल ने तो कहा था कि उसने सारे पपेट्स को खत्म कर दिया था, तो फिर मुकुल ने मुझे मारा नहीं उस दिन। मतलब? हाँ, मुकुल भी लालची है तुम्हारी तरह। मालूम है क्या हुआ था उस दिन? सिखा दूंगा, मुझे आर्यन से बदला लेना है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्यों? तुम हो कौन? मैं विराज, विराज नाम है मेरा। विराज? वो फेमस विराज, वो मशहूर पपेटियर? हाँ। अब प्लीज प्लीज मुझे आजाद कर दो, प्लीज। को मार दोगे तो मेरा पपेटियर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं सिखा दूंगा, मुझे आर्यन से बदला लेना है, मुझे बदला लेने दो, बस आर्यन के मरते ही तुम कंपनी के मालिक बन जाओगे, मालिक, कंपनी के मालिक, समझ गए? देर मत करो, देर मत करो, जल्दी सोचो, जिंदगी में नौकर बन के रहना है या मालिक बन के? नहीं, ये नहीं हो सकता। विराज को खत्म कर दिया मैंने, टीटो को खत्म कर दिया, सबको मार दिया मैंने, सबको मार दिया मैंने। अरे
बोल। मुकुल, ये मुकुल को किसने मारा? मैंने, मैंने मारा, मैंने। लेकिन क्यों? इसने तो तुम्हारी मदद की थी, नहीं? इसे नमक की कीमत मालूम नहीं है। ये नमक हराम है। इसने तुम्हें धोखा दिया, तो मुझे भी देगा? नहीं, नहीं। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। कविता, कविता कुछ लाके दो मुझे। इससे पहले कि ये मुझे मार दे, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। कुछ दो मुझे जल्दी कविता। अब तलवार बरबार का कोई फायदा नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी दो कविता। कविता, ये क्या कर रही हो तुम? सही कर रही हूँ मैं। मालूम है विराज की आत्मा को यहाँ कौन लाया? तुम? तुमने? हाँ, मैं। वो मैं ही थी जो विराज की आत्मा को यहाँ लेकर आई। मैंने ही उसकी मदद की थी ताकि वो पपेट की मदद लेकर तुम्हें खत्म कर सके। लेकिन क्यों कविता? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं विराज से प्यार करती हूँ। शादी होने वाली थी और तुमने? विराज से शादी करने वाली थी तुम? हाँ, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। मेरी जिंदगी से मेरी हर खुशी छीनी और अब ये पपेट तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनेगा। मार डालेगा वो तुम्हें, खत्म कर देगा।